व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज करता है, ठीक है, आप उसे देख नहीं पाते, उससे पहले वो डिलीट कर देता है, यानी कि वो डिलीट कर देता है, डिलीटेड मैसेज वो डिलीट कर देता है, यानी कि आप देख ही नहीं पाते, सीन ही नहीं कर पाते, उससे पहले वो डिलीट कर देता है। अब आप चाहते होंगे वो मैं देखूं कैसे, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपके मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिससे हम कहते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी स्मार्टफोन में आपको कर लेनी होगी, कोई भी स्मार्टफोन हो आपके पास, ठीक है। अगर नहीं है, शो नहीं हो रही, तो उसे आप ऑन कैसे करेंगे, अनेबल कैसे करें, वो भी तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बताते हैं। लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर आप यानी कि अपने मोबाइल की सेटिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना है ए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, जैसे कि मैंने ढूंढ लिया, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। बैक जाना है आपको, मोर सेटिंग पे जाना है, ठीक है, ये लिखा है मोर सेटिंग्स पे जाना है। उसके जस्ट नीचे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, ये आपका ऑन है, वो ऑफ होगा तो इसे आप ऑन कर लीजिए इस तरीके से। अब जब भी आपको कोई मैसेज करेगा यहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके सीधा आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना, अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर अपडेट है पहले से तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ये देख सकते हैं एप्लीकेशन है, इसका नाम है नोटिफिकेशन लॉग, ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन डालना है इस तरीके से, LOG सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये एप्लीकेशन है, इस तरीके से मिलेगी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और ये डाउनलोड करना है, सेटअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी शो हो जाएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो फिलहाल लेता हूँ विदा, जय हिंद।